तो दोस्तों अभी हम घर से निकल गए और यहाँ पे जा रहे हैं, अपनी जमीनें हैं जो भी मामू वालों की, वहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे, फसल पे लेके चलेंगे, गन्ने की फसल पे। तो भाई जा रहे हैं, सर्दी भी बहुत है और सवेरे उठे हैं, अभी देख रहे हैं आप धुंध लगी पड़ी है हर तरफ। दोस्तों देख रहे हैं बारिश ने भी कितना गंद कर दिया है, गांव में तो वैसे मिट्टी होती है, बारिश हो जाती है तो फिर ये पूरा खराब हो जाता है यहाँ पे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, देखे स्लिप हो रहे हैं भाई, गिरेंगे भाई, और साइड नहीं है, उधर से चलते हो रहे हैं स्लिप। चलो भाई चलो इस साइड से चलो भाई, यहाँ पे बहुत मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, गिरा रही है, स्लिप हो जाएंगे। देख रहे हैं भाई मिट्टी पैरों में चली गई है, यहाँ पे भी चप्पल में शादी पहन के आए क्योंकि खराब हो जाती है, बहुत बे मिट्टी है, ये देखो गिर गिरने वाला था, स्लिप हो रही है भाई। मैं तो यहाँ पे चल ही नहीं पा रहा, पता नहीं गांव के लोग कैसे चल के यहाँ पे ये आदि हो गए हैं। तो भाई अभी यहाँ से चलेंगे, ये तो शुक्र है सूखी हुई है, नहीं तो ये देख रहे हैं कितनी ख़राब है, वहाँ तक ख़राब है। तो अभी हम पहुँच गए खेतों में, इस तरफ देखें कैसा लुक आ रहा है। तो अभी यहाँ से हम पहले सबसे ऊपर अपने पैर ऊपर करेंगे, कपड़े ऊपर करेंगे, वरना तो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि बारिश पड़ी है, मिट्टी भी है और यानी कि पूरी ख़राब लगा पड़ा है सिस्टम। तो अभी पाँव भी ऊपर कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर, ये देख ले खेत। तो हम इस तरफ चलेंगे, ये जो गन्ने वाली फसल है इस तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अभी इस तरफ अंदर एंटर हो गए हैं और अभी यहाँ पे देखें ग्रीनरी कैसी है, वीआईपी लुक आ रहा है, देख रहे हैं। अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, सवेले सवेले यहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ काम वगैरह करते हैं। और अभी आपको गन्ने की फसल पे लेके चलेंगे कि वहाँ पे कैसे वो काटते हैं, फिर क्या करते हैं, कितने टाइम के बाद बेचते हैं, यानी कि फसल को उगाते हैं फिर पूरी को काटते हैं, तो उनसे पूछते हैं कितने दिनों में कट जाती है और ये मालूम लेते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, तो चलते हैं गाइज अंदर खेत में और यहाँ के खेतों की आपको खूबसूरती दिखाते हैं। वैसे यहाँ की नेचुरली खूबसूरती है, वैसे भी आपको दिखा देते हैं यहाँ की खूबसूरती के कितने खूबसूरत बाग हैं। तो फिर चलिए चलते हैं दोस्तों, गन्ने की फसल पे अभी जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर ही गन्ने की फसल है, तो फिर आपको लेके चल रहे हैं हम गन्ने की फसल में दिखाने के लिए। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है। दोस्तों ये इस तरफ जा रहा है रास्ता और ये इस तरफ, मगर हम चलेंगे इस तरफ। यहाँ पे जो ये गन्ने का घास होता है वो आदमी लेके जाते हैं अपने जानवरों के लिए, ये देखे लेके जा रहे हैं अपने जानवरों के लिए घास गन्ने का, बाकी जो गन्ना होता है वो यहाँ पे साफ सुथरा करके रखते हैं। तो दोस्तों हम गन्ने की फसल में पहुँच गए हैं, ये देखिए पीछे काट रहे हैं और इनकी सफाई करके रख रहे हैं, और ये पता नहीं कितने टाइम के बाद पूरी फसल यानी कम्प्लीट काट लेंगे, फिर उसको भेजेंगे कितने पैसों में, ये भी आपको डिटेल देते हैं अंदर चल के खेत में, सही है। तो चल रहे हैं नीचे, ये पत्ते वगैरह पड़े हैं घास,
इसमें ये गन्ने डाल के फिर इनको फोल्ड कर देते हैं। दोस्तों गांव के बच्चे बूढ़े सब लोग सुबह सवेरे उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, खेतों में जाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। तो ये देखें यहाँ बच्चे बूढ़े सारे कैसे यानी गन्ने काट रहे हैं और उसकी सफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं किस तरीके का ये इन्होंने गन्ना फोल्ड काट के फोल्ड करके रखा है। तो ये ऐसे रखते हैं फोल्ड करके जब तक फसल कट। तो ये इस ज़मीन के जो मालिक थे उससे हम मिल गए हैं, अब इनसे रब्ता कर यानी डिटेल मांगते हैं कि ये कितना फ़ायदा कैसे कमाते हैं पैसे और इसमें क्या यानी कि इस गन्ने की फसल को कैसे उगाते हैं, क्या करते हैं, डिटेल बताएँ। भाई पहले तो हम इसको ट्रैक्टर का हल चलाते हैं, ज़मीन को बनाते हैं, बनाते फिर हम इसके खिले निकालते हैं, फिर इसमें भान देते हैं, फिर गन्ना इसमें दफन करते हैं, फिर 12 महीने के बाद ये हमारा फसल अभी तैयार है। अभी हमारा मिल में जा रहा है 300 रुपया मण। अभी हम इसमें मुतमिन हैं कि गन्ने के सवा और कोई फसल पैदावार नहीं देता है। जो आपकी ज़मीन है ये कितने एकड़ है? ये हमारी 10 एकड़ ज़मीन है। अच्छा ये कितने टाइम के बाद निकलते हैं? 12 महीने के बाद। अच्छा उसके बाद ज़मीन को भी नरम करते हो, ट्रैक्टर वाला नरम करके हल चलाते हैं। अच्छा सही, तो भांड डालते हैं। अच्छा। फिर कमल तैयार होता है। अभी हमारा फसल तैयार है, अभी हम इसकी कटाई कर रहे हैं। ये लेबर हमारी मजदूर चल रहे हैं। ये तो इधर देखो लेबर, देखो ये लेबर, ये सारी लेबर है। फिर इधर करो, इधर आ जाओ भाई इधर। हाँ अभी बताओ कि इसमें फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना होता है, यानी क्या खर्चा होता है? अगर नुकसान होता तो ये गन्ना कमाद हम नहीं कर बता। ये तो बात है, अभी हमारे को फ़ायदा है, हम मुतमिन हैं इस गन्ने से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सारी जमीन में ये गन्ना खाएंगे। अच्छा, अगली बार ये सर्दियों में वैसे उगलता है ना, गर्मियों में तो नहीं होता? गर्मी में इसको दफन करते हैं जमीन। अच्छा, में फिर ये अच्छा होता है, फिर ये सारे में अभी ये मौसम ये जनवरी का महीना है, अभी अच्छा, कटाई इसकी शुरू है। अच्छा सही। हाँ और इसमें यानी कि अच्छा उसके बाद आपका खर्चा कितना होता है, यानी कि जो बीज वगैरह लेते हैं जमीन में? भाई बीज हमारा अपना कमंद का रखते हैं। अच्छा और खर्चा हमारा 10 एकड़ जमीन के हल वगैरह है। अच्छा। 10,000 का भान है, लेकिन सब अच्छा मिलाकर ये तकरीबन हमारे 30,000 रुपया खर्चा है। अच्छा खर्चे मंथ का या कितने? हाँ, महीनों का? ये 12 महीने का। अच्छा 12 महीने का। अच्छा इसके बाद मेरा 1 एकड़ देता है गन्ना 2.5 लाख 3 लाख। अच्छा वो ये एक एकड़, एक एकड़ समझो कमाता है पूरा 1.5 लाख। ऐसे समझो को 50,000 खर्च को दो। अच्छा बाकी साफी 2 लाख हमारे बचते हैं। बचते हैं। अच्छा सही सही। ये देखें इनको फोल्डिंग करते हैं नीचे से इस तरीके का रस्सी बना के इन घास में से, फिर ये कमत को फोल्ड करके फिर इसकी यहाँ पे बड़े यानी के चट्टानों की तरह बना देते हैं, पूरी बंडल बना देते हैं। फिर ये पूरी ट्रक वगैरह ट्रैक्टर की ट्राली फुल करके बेचते हैं, वो भी मील के जो चीनी की मील होती है उसमें बेचते हैं। तो भाई अभी हम भी गन्ना टेस्ट करेंगे कि ये गन्ना के साथ मीठा होता है या फीका भी होता है, इनका चेक करते हैं। देखो भाई ये देखो मैंने लिया है। तो दोस्तों आपको डिटेल वगैरह दे दी, अभी मैं भी गन्ना टेस्ट करके आपको बता दूँ कैसा है। भाई गन्ना तो बहुत मीठा है, जैसे चीनी लग रही है, चीनी मीठी। तो भाई मैंने गन्ना टेस्ट किया तो बहुत मीठा था और मुझे तो बहुत पसंद आया। कोई इस जगह की लोकेशन बताते हैं कि ये जगह कैसी लगती है, इसका थोड़ा व्यू करवा देते हैं आप। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, फिर ये यहाँ पे घर है, इसकी दीवारें, फिर यहाँ से शुरू हो रही है, फिर वहाँ पे आगे बहुत आगे है, यहाँ पे आगे है, वहाँ पे तो आपको नहीं दिखा सकता, मगर ये देख कितनी बड़ी है। ये देख रहे हैं इतनी बड़ी यहाँ भी गन्ने की खेत है, फसल है।
तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मसरूफ़ यहाँ पे वर्कर्स हैं जो भी ये काम कर रहे हैं अपने। और ये यहाँ से शुरू होती है खेत, बहुत बड़ी है, मैं आपको कितनी दिखाऊँ जूम करके। दोस्तों ये देखें किस तरीके से इन्होंने गन्ना काट के यहाँ पे फोल्ड करके, यानी कि पूरी यानी कि बंडल्स बना के यहाँ पे रखते हैं, फिर इनको बेच देते हैं। तो पूरी ज़मीन पहले खाली करते हैं और इस तरीके का बंडल्स यहाँ पे बनाते हैं ये लोग। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो वो वाली कोना है, वहाँ से लेकर ये यहाँ तक, यानी कि पूरी ये यहाँ तक पूरी गन्ने की फसल है, ये पूरी काटेंगे और इतने पैसे में बेचेंगे। और ये यानी कि जिसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, वो वाला पेड़ वहाँ तक है, यानी ये इतनी लंबी चौड़ी फसल है। और इसमें ये यानी कि गन्ना निकला हुआ है, अभी ये बेचेंगे और इससे इतना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब लाजमी करो, क्योंकि नई वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी। तो इन्जॉयमेंट की वीडियोज़ मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब लाजमी करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करते हैं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। Peace.